न्यूज पर ये भी देखा होगा कि पबजी बैन होने वाला है, ये होने वाला है। इतने स्टूडेंट इस पबजी को 4 घंटा टाइम दिए, 5 घंटा टाइम दिए, तो आपको खुद वो गलती आप करेंगे तभी आपको सीख मिलेगा यार। आप दूसरे की गलतियों से भी आप सीखें तो ही आप बेहतर एक स्टूडेंट हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप 10th का स्टूडेंट हैं, आप 12th का स्टूडेंट हैं और आप पबजी पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप पबजी पे जो टाइम दे रहे हैं वो कैसे पे रीडिंग करने में या पढ़ने में दें? मैं आप लोगों को बताना एक चीज़ चाहूँगा कि अगर आपके फ़ोन में पबजी है तो ये आपका नुकसान ही कर सकती है। आपका टाइम तो बर्बाद करेगा ही करेगा, लेकिन आपका नुकसान कर सकता है। चलिए कैसे नुकसान कर सकता है वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। अगर आप 1 या 2 घंटा लगातार पबजी को खेलते हैं तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा यार। आपको लगेगा कि मैं उस करोस को, उस लेवल को और आगे पर कर लूँ, यानी कि आप जिस लेवल पर गए हैं उस लेवल को और आगे जाने की आपका क्षमता एक मन में एक तस्वीर बन जाएगा और आपको बार बार मोबाइल जब भी आप खोलेंगे तो आपको कुछ वही गेम नज़र आ जाएगा और सोचेंगे चलिए मैं आगे से खेल लेता हूँ, अच्छा लगता है। भाई आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पबजी इतना बड़ा फाइल यार 2 GB MB इसका है और आपका मोबाइल को भी ये गर्म करती है। अगर आपके पास कमज़ोर प्रोसेसर है तो पबजी को आप खेल भी नहीं सकते, इतना ख़तरनाक एप्लीकेशन है ये दोस्तों। ये पबजी हो गया, टिकटॉक हो गया, ये सारे सिर्फ अपने पैसे कमाने का एक जरिया है। वो लोग अपने सपने को पूरा कर रहे हैं पबजी जैसे एप्लीकेशन बनाकर, टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन बनाकर, लोगों को एक साथ कंपेयर करके, यानी कि कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट करके वो लोग पैसे कमा रहे हैं जो एप्लीकेशन, इस तरह का एप्लीकेशन बनाकर। आपका तो भी कोई सपना होगा, आप पढ़ना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका भी तो एक कुछ ना कुछ जरूर सपना होगा कि मैं वो पढ़ाई करूँ, मैं उतना मुझे मार्क लाना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके सामने एक अभी रिजल्ट आना चाहिए कि मैं अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाऊं, यानी कि अच्छा से अच्छा मार्क लाऊं। और अगर आप दिन भर 1 घंटा हो गया या 2 घंटा हो गया पबजी पे टाइम गंवाते हैं, वही टाइम आप पढ़ने में या तो आप कुछ सीखने में लगाइए। आप मैं पढ़ने आप लोगों को नहीं बोलता हूँ यार, पढ़ना बोलूँगा तो ये बोलेगा कि देखिए पढ़ने बोल रहा है। चलिए मैं आप लोगों को उसके बजाय, आप YouTube पर भी वीडियो देख सकते हैं जो सीखने वाला वीडियो है, संदीप महेश्वरी का वीडियो है, या तो आप Google पे कुछ नया चीज़ सर्च करके देख सकते हैं। तो आप पबजी पे इतना टाइम क्यों दें, पबजी पे आपको क्या हासिल होगा, आप थोड़ा सा एनालाइज करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप पबजी की मदद से क्या हासिल करना चाहते हैं। आप यहाँ पे अगर सोचिए कि आप कुछ भी लेवल पार कर लें तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा यार, सिर्फ आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ से कुछ जानकारी नहीं मिलेगा बल्कि आपकी जानकारी यहाँ से जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने आया था कि पबजी हो गया, टिकटॉक हो गया, ये सारी एप्लीकेशन से बचकर ही रहे, ये सारी एप्लीकेशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपका जो सपना है वो सपना पूरा आपका नहीं हो सकता अगर आप ये सारे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। इन सारे एप्लीकेशनों के चक्कर में ऐसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो आपको ऐसे एप्लीकेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अगर आपके फ़ोन में है तो इसको उखाड़ कर फेंक देना है, आप ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल ही मत कीजिएगा। अगर बात किया जाए मेरी, तो मैं इस तरह का एप्लीकेशन कभी भी अपने फ़ोन में, ना ही मेरे फ़ोन में टिकटॉक है ना ही पबजी है, सिर्फ मैं जानकारी रखता हूँ कि ये एप्लीकेशन क्या है, बस वही है। इसमें मैं अपना टाइम नहीं देता हूँ। अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ टॉपिक ढूंढने की ज़रूर कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं। अगर मैं इन सारी चीज़ों पर टाइम दूंगा, खेलने में, गेम खेलने में, टिकटॉक पर टाइम दूंगा, तो मुझे वहाँ से क्या हासिल मिलेगा? मुझे फोकस करना है कि मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा चैनल आगे चला जाए तो कुछ ना कुछ मेरा यहाँ पर भी करियर बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। आपका भी कोई ना कोई ज़रूर करियर होगा, आप भी ज़िंदगी में कुछ ज़रूर कुछ नया करना चाहते होंगे। दोस्तों अंतिम में एक ही बात करना चाहूँगा कि आप जिस टारगेट पर आपका सोच है, आपका जो ड्रीम है, उस पर फोकस कीजिए। ये छोटी मोटी एप्लीकेशन तो आती रहेगी, जाती रहेगी, अगर आप इन सारे चक्रों पर अगर रहेंगे, यानी कि इन सारे चक्रों में आप पढ़ते हैं किसी एप्लीकेशन की मदद से, कोई इंटरटेनमेंट की मदद से, कोई गेम की मदद से, तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे। आपको कुछ नया, आप नया सोच कर देखिए, आपको नया ज़रूर दिखाई देगा। अगर आप नया सोचेंगे नहीं तो आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पबजी हो गया, टिकटॉक हो गया, ये सारे एप्लीकेशन पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो आइंदा अपने मोबाइल से ये सारे एप्लीकेशन हटा दीजिए। इसके बजाय आप कुछ नए जानकारी सीखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पर भी कई ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आपको मिल जाएंगे, इंस्पिरेशनल वीडियो आपको मिल जाएंगे, सीखने वाली वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसको आपको देखकर कुछ नया जरूर नॉलेज मिलेगा। तो आप वो सारे वीडियो को देखकर कुछ नया जरूर सीख सकते हैं। ये पबजी जैसे एप्लीकेशन तो आएंगे जाएंगे, चलते रहेंगे, बैन होंगे, क्या होंगे पता नहीं, इसका क्या होगा। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ध्यान से देखिए कि इस वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब ऑप्शन नज़र आता होगा, तो उसे आपको क्लिक कर